हाँ, आजकल ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। हेलो एवरीवन, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। ये स्लाइड विजिबल है सबको? जी सर। यस सर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशंस। जो हमने डेफिनेशन जो अंडर सेक्शन 2 है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसमें हमने 3 पार्ट तो देख लिए थे इसके। आज हम कुछ डेफिनेशन और कवर करते हैं पार्ट 4 में, क्योंकि ये डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? स्टार्ट करें हम? हाँ जी सर। जी सर, कीजिए। अच्छा, 1 सेकेंड। ये देखिए, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट और सेक्शन 238। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किसको बोलेंगे? प्रोविडेंट फंड तो आपको पता है कि एज पर पीएफ एक्ट, जो आपने शायद पढ़ा होगा, तो इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 आपने रीड किया, तो उसमें पीएफ की डेफिनेशन दे रखी है। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट पीएफ की डेफिनेशन क्या है, या रिकॉग्नाइज पीएफ की डेफिनेशन क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो जाए, या उसके सेक्शन के हिसाब से, या कमिश्नर अगर उसको अप्रूव कर दे, तो उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं मीन्स ए प्रोविडेंट फंड, मतलब ऐसा कोई प्रोविडेंट फंड विच हैज़ बीन एंड कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाई द कमिश्नर। मतलब कौन रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त, मतलब कि कोई प्रोविडेंट फंड जो मान्यता प्राप्त हो, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मान्यता प्राप्त हो, तो जो रिकॉग्नाइज करेगा कौन करेगा? कमिश्नर। ठीक है, इनकम टैक्स में कमिश्नर होता है, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, बट आपको जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है, वो याद रखनी है पार्ट ए ओ फोर्थ शेड्यूल। इनकम टैक्स का फोर्थ शेड्यूल्स कुछ दे रखे हैं, तो उसका जो फोर्थ शेड्यूल है उसका पार्ट ए, उसके हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मीन्स ए प्रोविडेंट फंड विच हैज़ बीन कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाई द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द रूल कंटेंट, मतलब कि जो रूल पार्ट ए ऑफ द फोर्थ शेड्यूल, जो इनकम टैक्स का जो फोर्थ शेड्यूल है उसके पार्ट ए में जो रूल दे रखे हैं उसके हिसाब से वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, बट इसमें और क्या इंक्लूड होगा? एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या इंक्लूड होगा? ए प्रोविडेंट फंड इस्टेब्लिश्ड, मतलब कोई भी पीएफ है जो इस्टेब्लिश है अंडर ए स्कीम फ्रेम्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। जो एम्प्लॉय पीएफ एक्ट 1952 है उसके हिसाब से भी अगर इस्टेब्लिश्ड है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? मनीष जी, कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो इसमें मतलब आपको याद रखना है पार्ट ए ओ फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो पार्ट ए ओ फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से कोई अगर रिकॉग्नाइज्ड है और कमिश्नर उसको अप्रूव कर दे, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलेंगे। एक्चुअल में डेफिनेशन बस इतनी है, डेफिनेशन बस इतनी दे रखी है, बट आपके अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आ गया तो इतने से काम चलेगा नहीं, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन में बस इतना ही पार्ट है। आप इसमें फिर लिख सकते हैं कि अप्रूवल एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, कि जो कमिश्नर जो अप्रूव करेगा, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज करने के लिए जो अप्रूव करेगा उसके क्या रूल्स है, उसमें देखिए द कमिश्नर में अकॉर्ड अप्रूवल, मतलब जो कमिश्नर है वो अप्रूव करेगा टू एनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कोई भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को अप्रूव करेगा विच इन हिज ओपिनियन, मतलब उसकी ओपिनियन में वो उसके रूल्स कंप्लाई करता है, मतलब रूल पूरे करता है, मतलब कि जो रूल जो मैंने बताए हैं पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल में जो रूल लिख रखे हैं उसके हिसाब से अगर वो रूल पूरे कर देता है, कंप्लाई कर देता है, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट अगर वो पूरी कर देता है, तो वो उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, एंड मे एट एनी टाइम विड्रॉ, और उसको विड्रॉ भी कर सकता है अगर अप्रूवल दिया है, बट उसको वापस भी ले सकता है। वापस कब लेगा? अगर वो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस फॉर अप्रूवल, अब उसकी कुछ कंडीशन भी वो स्टेब्लिश कर सकता है कि इन ऑर्डर दैट ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रिसीव एनी सर्टेन अप्रूवल,
इट शैल सेटिस्फाई द कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करेगा, जो रूल जो पार्ट ए ऑफ द फोर्थ शेड्यूल, जो रूल किस में लिखा हुआ है, पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल में जो रूल लिखा हुआ उसके हिसाब से कंडीशन फुलफिल करेगा, उसी को ही अप्रूवल मिलेगा। और उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल, और उस अप्रूवल को लेने के लिए उसको कुछ अप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये हो गया 238 का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब इससे मिलता जुलता है, पहले हम हिंदी में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये भविष्य निधि का मतलब है जिसे चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित है, जो चौथी अनुसूची के भाग ए में है, ठीक है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो मान्यता दी गई है किसके हिसाब से, चौथी अनुसूची के भाग ए में। और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो पीएफ एक्ट है 1952 उसके तहत, योजना के तहत स्थापित है भविष्य निधि भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब इसमें आप 3 पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि स्वीकृति और अनुमोदन वापस लेना, कि उसको स्वीकृति वो कैसे देगा, और अगर स्वीकृति दे दी है तो उसको वापस भी ले सकता हो। तो आयुक्त, आयुक्त बोलते हैं कमिश्नर को हिंदी में बोलते हैं आयुक्त। तो किसी भी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को अनुमोदन प्रदान कर सकता है कि अप्रूव दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है, जो उसकी राय में नियम 3 की आवश्यकता के अनुपालन करता है, मतलब ये जो रूल लिख रखे हैं उसको वो पूरे करता है। वो किसी भी समय ऐसे अनुमोदन को वापस भी ले सकता है यदि उसकी राय में फंड की परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती है, मतलब कि फंड के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद अनुमोदन की शर्तें हैं, कुछ वो शर्तें भी लगा सकता है एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अनुमोदन प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, उन शर्तों को पूरा करेगा जो बोर्ड निर्धारित कर सकता है। कोई भी बोर्ड, इनकम टैक्स बोर्ड है, अगर वो कुछ कंडीशंस अगर बता रहा है कि ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उसको कंडीशन पूरी करनी माननी पड़ेगी उसको, वो अनुमोदन के लिए आवेदन, उसको आवेदन देना पड़ेगा अनुमोदन के लिए, ठीक है। कोई डाउट था इसमें? नो सर। अब इससे मिलता जुलता देखिए अप्रूवल ऑफ सुपर एनुएशन फंड, जैसे हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखा था वैसे ही अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन क्या होता है, अगर कोई रिटायर होता है उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं। तो कोई रिटायर्ड फंड अगर कोई बना रखा है तो वो अगर अप्रूव हुआ है तो उसको अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बोलेंगे। तो ये भी मिलता जुलता है उससे, तो मीन्स है सुपर एनुएशन फंड और एनी पार्ट ऑफ सुपर एनुएशन फंड, मतलब कोई सुपर एनुएशन फंड या उसका कोई पार्ट विच हैज़ एंड कंटिन्यू टू बी अप्रूव्ड, जो अप्रूव हुआ है कमिश्नर के द्वारा। जैसे हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था ना कि कमिश्नर ने अप्रूवल दिया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को, भी कमिश्नर ने अप्रूवल दिया है, वो किस में दिया है, पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल में। और यहाँ पर किस में दिया है, इसमें दिया है पार्ट बी ऑफ फोर्थ शेड्यूल, वो पार्ट ए में था या पार्ट बी में है, मुझे इतना फर्क है कि कोई भी अगर कमिश्नर ने अप्रूवल दिया है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेंट, जो रूल्स है कंटेन है, जो रूल दिए गए हैं किसमें दिए गए हैं, पार्ट बी ऑफ फोर्थ शेड्यूल में, ऊपर था पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल। और ये जो 3 पॉइंट है वो सेम पॉइंट है, बस आपको क्या कर देना है, जहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आता है उसके जगह आपको रिकॉग्नाइज्ड सुपर एनुएशन फंड लिख देना है, बाकी सब सेम है आपको। बस जो डिफरेंट है ये है पार्ट बी ओ फोर शेड्यूल, वो था पार्ट ए ओ फोर शेड्यूल, इसमें भी कमिश्नर अप्रूवल देता है और उसमें भी कमिश्नर अप्रूवल दे रहा था। और ये रूल सेम है कि अप्रूवल एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल के क्या रूल्स है, कंडीशंस कुछ देगा वो, और अप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हिंदी में भी यही है, एक सुपरनेशन फंड या एक सुपरनेशन फंड के किसी भी हिस्से का मतलब है जो चौथी अनुसूची के भाग बी में, जो चौथी अनुसूची के भाग बी में निहित नियमों के अनुसार, जो भी नियम इसमें बनाए गए हैं आयुक्त द्वारा, जो कमिश्नर है उसके द्वारा अनुमोदित किया गया है या अप्रूवल दिया गया है, और बाकी की ये सेम है लाइन। कोई डाउट था इसमें, आगे बढ़े क्या? यस सर। थर्ड है अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, जैसे पहले था अप्रूव्ड पीएफ, उसके बाद था अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, और थर्ड है अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, ठीक है। ग्रेजुटी आपको पता ही है कि कंपनी अगर मान लो उसके 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उसको ग्रेजुटी वो देता है, एज ए वो उसको नाम के रूप में देता है कि चलिए आप हमारी कंपनी में बने हुए हैं, आपको रिटायरमेंट में हम कुछ पैसा देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उसको ग्रेजुटी बोलते हैं। तो मीन्स ए ग्रेजुटी फंड विच हैज़ बिन एंड कंटिन्यू टू बी अप्रूव्ड बाई द कमिश्नर, इसमें भी सेम है कमिश्नर अप्रूवल देगा इन अकॉर्डेंस विद द रूल, कौन सा रूल, पार्ट सी ऑफ फोर्थ शेड्यूल, पार्ट सी ऑफ फोर्थ शेड्यूल। अब फर्स्ट में क्या था, पार्ट ए था, सुपरनेशन में पार्ट बी था, और ग्रेजुटी में पार्ट सी है, बस ये आपको याद रखना है, पार्ट ए बी सी ऑफ फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है ग्रेजुटी का, तो और बाकी सब सेम है इसमें।
अप्रूवल एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, कंडीशंस फॉर अप्रूवल और एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, बाकी सब सेम है। ठीक है, अनुमोदित ग्रेजुटी फंड, इसका मतलब है ग्रेजुटी फंड जो चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची के भाग सी में निहित है, ठीक है, और उसके नियमों द्वारा आयुक्त द्वारा अनुमोदित है, जिसमें भी कमिश्नर भी इसको अप्रूव करेगा, बाकी सब सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर तो सबको पता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होता है, कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर में हमको टैक्स टैक्स देना पड़ता है, या बोल सकते हैं कि असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है, तो इसलिए इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, मतलब जिस साल में असेसमेंट होता है, जिस ईयर में असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर हो गया। बेसिक रूल जो दे रखा है वो देखिए, मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 मंथ का पीरियड है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, हर साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वो असेसमेंट ईयर है। अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ये बस इसके सेक्शन में दे रखा है, जो सेक्शन 2/9 है उसमें दे रखा है कि असेसमेंट ईयर क्या है। तो इसके लिए पहले फाइनेंशियल ईयर समझना होगा, तो द फाइनेंशियल ईयर इज द कैलेंडर ईयर इन विच यू रिसीव्ड योर मनी, मतलब कि जिसमें आप मनी रिसीव करते हैं, जिसमें आपने मनी रिसीव किया है, एंड इट बिगन्स ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इस कैलेंडर ईयर में, एंड एंड ऑन March 31st, मतलब अप्रैल से मार्च तक जो पीरियड होता है और जिसमें आपने मनी रिसीव किया है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। और एनी मनी अर्नड बाई यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू March 31st 2023, मतलब ये कि एग्जाम्पल दे दिया कि अप्रैल से लेके मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है, जो 2022 से 2023 तक है, इज सिंपली रेफर्ड टू एज इनकम अर्न इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकम अर्न किया है, इसलिए इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर है, तो द असेसमेंट ईयर इज द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पीरियड तो वो सेम रहेगा, ड्यूरिंग विच यू आर टैक्स्ड ऑन द मनी, जिसमें आपने टैक्स दिया है, और मनी यू रिसीव इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जो मनी आपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई है उस पर आपने जिस साल में जो टैक्स दिया है उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर यू मस्ट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और उस असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो द इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इसको बोल सकते हैं इमीडिएटली, तुरंत आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद जो ईयर आता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो इन असेसमेंट ईयर 2023-24 इनकम रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब 22-23 में हमने इनकम कमाई है, और विल बी टैक्स्ड इन 2023-24 में हमने जो टैक्स दिया है तो वो उसका फाइनेंशियल सॉरी असेसमेंट ईयर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें मनीष जी, कोई डाउट है इसमें कोमल जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में देख सकते हैं, मतलब हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि, ये तो सेक्शन में दे रखा है। फिर इसका आप डिटेल में लिख सकते हैं, वित्त वर्ष पहले बताइए कि वित्त वर्ष वह कैलेंडर वर्ष होता है जिसमें आपने अपना पैसा प्राप्त किया था, और वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है, ये तो मैंने पहले बताया था। और इसके द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक अर्जित किसी भी धन को केवल वित्त वर्ष में अर्जित आय के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, मतलब कि 22-23 में जो भी हमने इनकम कमाई है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। और निर्धारण वर्ष, इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या होता है, निर्धारण वर्ष वो अवधि है जो अप्रैल से मार्च तक है और जिसके द्वारा किसी दिए गए वित्त वर्ष में आपको प्राप्त धन पर आप पर कर लगाया जाता है, मतलब जिस साल आप कर देते हो, और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है, उस असेसमेंट ईयर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, और वित्त वर्ष के तुरंत बाद के वर्ष को निर्धारण वर्ष के रूप में भी जाना जा सकता है। और ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर है तो 23-24 इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। कोई डाउट था इसमें? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट आता है असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 2(7)(a). असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, जो आपकी असेसमेंट करता है, जैसे मैंने बताया ना, ये जैसे मैंने बताया आपको असेसमेंट ईयर, तो जिस ईयर में आपका जो असेसमेंट होता है तो कौन करेगा असेसमेंट, आप तो करोगे नहीं,
तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ही करेगा असेसमेंट, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो असेसमेंट करता है उसको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो असेसमेंट करता है वो असेसिंग ऑफिसर बोलता है। मतलब आपकी इनकम की कैलकुलेशन चेक करता है, फिर बोलता है नहीं नहीं आपकी इनकम सही है, सही नहीं है तो कितनी होनी चाहिए, वो आपको असेसिंग ऑफिसर करता है। तो इसका क्या मतलब है, मीन्स द अब असेसिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, सॉरी असेसिंग ऑफिसर हो सकता है मीन्स द असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे मैंने कमिश्नर पहले बताया था, तो असिस्टेंट असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, या डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, या असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, या डेप्यूटी डायरेक्टर हो सकता है, या कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। हु इज वेस्टेड विद द रेलिवेंट जुरिडिक्शन, जो रेलिवेंट जुरिडिक्शन उसके हाथ में हो। जुरिडिक्शन क्या होता है, एरिया, कि मान लीजिए आप शिवालिक नगर में हैं तो शिवालिक नगर का एरिया उसके हाथ में है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि हरिद्वार का पूरा जो एरिया है वो असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है, तो जुरिडिक्शन वो एरिया हो गया कि वो एरिया उस असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है। तो हु इज वेस्टेड विद द रेलिवेंट जुरिडिक्शन बाई वर्च्यू ऑफ डायरेक्शंस और ऑर्डर्स इशूड, जो भी वो ऑर्डर इशू करता है या कोई डायरेक्शंस इशू करता है, ठीक है, और उसका जो एरिया उसमें बटा होता है, ठीक है। और अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसके पास तुम्हारा एरिया बटा होता है, ठीक है, और वो ऑर्डर और डायरेक्शंस देता है, उसको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। और किसके हिसाब से, एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, या एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब इसमें इंक्लूड है, और भी इंक्लूड है, एंड द एडिशनल कमिश्नर भी इंक्लूड है, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर भी इंक्लूड है, या फिर जॉइंट कमिश्नर भी इंक्लूड है, या जॉइंट डायरेक्टर भी इंक्लूड है, ठीक है। हु इज डायरेक्टर अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सारे असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। और टू एक्सरसाइज और परफॉर्म ऑल ऑफ एनी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस कन्फर्ड ऑन और असाइन टू एन असेसिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, मतलब असेसिंग ऑफिसर को जितनी पावर दे रखी है, ठीक है, फंक्शंस वो सारे परफॉर्म करता है, ठीक है, वैसे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करता है। इसको हिंदी में देख सकते हैं, मतलब एक सहायक आयुक्त, जैसे कमिश्नर को हम आयुक्त बोलते हैं, तो सहायक आयुक्त या उपायुक्त, सहायक आयुक्त हो सकता है, उपायुक्त हो सकता है, सहायक निदेशक हो सकता है, या उप निदेशक हो सकता है, या आयकर अधिकारी हो सकता है। आपका जैसे फोर्थ यूनिट आएगी, फोर्थ यूनिट में इसकी डिटेल में है, जैसे ये तो वो छोटा सा डेफिनेशन है, फोर्थ यूनिट में पूरा, मतलब कि इसके जितने भी आपके अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, जो भी अधिकारी, उनके क्या पावर है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कैसे कैसे असेसमेंट करेंगे, पूरी डिटेल में है। तो एक सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उप निदेशक या आयकर अधिकारी, आप मोटा मोटा कमिश्नर याद रख सकते हैं, तो कमिश्नर के पहले असिस्टेंट लगा दीजिए, कमिश्नर से पहले डेप्टी लगा दीजिए, ठीक है, डायरेक्टर याद रख सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे पहले असिस्टेंट लगा दीजिए, उससे पहले डेप्टी लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद कमिश्नर के बाद कमिश्नर से पहले एडिशनल लगा दीजिए, या फिर एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकता है, फिर जॉइंट लगा दीजिए, जॉइंट कमिश्नर भी हो सकता है, जॉइंट डायरेक्टर भी हो सकता है, बस ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। तो ये सारे हैं जो जारी किए निर्देशों या आदेशों के आधार पर संबंधित क्षेत्र अधिकार में निहित है, मैंने जुडिक्शन बताया ना, उसका क्षेत्र अधिकार उसके हाथ में होता है, और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही होते हैं। और इसमें अतिरिक्त आयुक्त या अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, ये सारे इंक्लूड है, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत निर्देशित है। और इस अधिनियम के तहत एक मूल्यांकन अधिकारी को प्रदत्त या सौंपी गई सभी या किसी भी शक्ति और कार्य का प्रयोग या प्रदर्शन करने के लिए इनको बनाया जाता है। कोई डाउट है तो बताइए अभी तक। इसमें थोड़ा सा आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि असेसिंग ऑफिसर कौन कौन होता है। आप कमिश्नर याद रखिए, डायरेक्टर याद रखिए, ठीक है, तो डायरेक्टर और कमिश्नर से पहले आप असिस्टेंट, डेप्टी ये लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद एडिशनल लगा दीजिए, जॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ये बात बन जाएगी। कोई डाउट है इसमें? मनीष सर, उसके बाद देखिए ब्लॉक ऑफ असेट्स,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, मैंने बताया था कि कोई भी अगर फिक्स असेट्स होती है, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने बताया था आपको, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था कि भी डेप्रिसिएशन की अलग अलग रेट होती है, ठीक है। अगर फर्नीचर है उसकी अलग रेट होगी, कोई मशीनरी है उसकी अलग होगी, कोई बिल्डिंग है उसकी अलग होगी, ठीक है। तो वो जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है कि जैसे फर्नीचर की अलग हो गई कैटेगरी, मशीनरी की अलग कैटेगरी हो गई, बिल्डिंग की अलग कैटेगरी हो गई, या फिर इंटेंजिबल असेट्स है उनकी अलग कैटेगरी हो गई। तो उसके हिसाब से जो भी डेफिनेशन की रेट है वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है कि 10% की अलग कैटेगरी होगी, 20% की अलग कैटेगरी होगी, 30% की अलग कैटेगरी होगी। तो उसी को ही ब्लॉक ऑफ असेट्स बोलते हैं कि एक ब्लॉक बना दिया, एक कैटेगरी बना दी असेट्स की कि इस ब्लॉक की असेट्स को 10% की रेट में बांट दो, और इस जो ए ब्लॉक है उसको 10% में बांट दो, जो बी ब्लॉक है वो 20% में बांट दो, जो थ्री ब्लॉक है जो सी ब्लॉक है उसको 25% में बांट दो। तो यही है ब्लॉक ऑफ असेट्स किया कि असेट्स को हमने बांट दिया अलग अलग। तो मीन्स ए ग्रुप ऑफ असेट्स, ये असेट्स का ग्रुप है। फॉलोइंग विद इन ए क्लास ऑफ असेट्स, कुछ असेट्स है उसके क्लास के हिसाब से उसको बांट दिया जाता है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, टेंजिबल असेट्स हो सकते हैं। टेंजिबल असेट्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो टेंजिबल असेट्स क्या हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, प्लांट और फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, उसको टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। तो एक तो टेंजिबल असेट्स आ गई, दूसरा है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स जिसको हम देख नहीं सकते वो क्या हो सकता है, नो हाउ हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट तो सुना होगा, पेटेंट भी सुना होगा, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गई, और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट, जो भी कोई और अदर टाइप के राइट्स हैं इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल असेट्स होगी और ये है टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, बिल्डिंग मशीन या फर्नीचर या प्लांट, और इंटेंजिबल की भी है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इस टाइप की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ब्लॉक में ये बटी रहती है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेम परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, तो हर ब्लॉक की अलग अलग परसेंटेज की रेट है और एक ब्लॉक की सेम परसेंटेज की रेट रहेगी। लिखा ना सेम परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन, तो सेम रेट रहेगी हर ब्लॉक की। और ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ एसेट्स, इसको ग्रुप ऑफ एसेट्स भी बोल सकते हैं, फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी, ये सेम कैटेगरी की चीज़ें एक ग्रुप में आ जाएगी, एंड हैविंग द सेम डेप्रिसिएशन रेट, और उसकी सेम डेप्रिसिएशन की रेट है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर, ये तो मैंने पहले डेप्रिसिएशन का बताया था, उसमें भी डिटेल में बताया था, आप उन वाले वीडियो में देख सकते हैं। ये बस डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन है 2.11 में। हिंदी में अगर इसको देखना चाहें तो संपत्ति का ब्लॉक का अर्थ है संपत्ति के एक वर्ग के अंतर्गत, मतलब उसका एक वर्ग है, एरिया है, वर्ग के अंतर्गत आने वाली संपत्ति का एक समूह है, ठीक है। उसमें मूर्त संपत्ति भी हो सकते हैं। मूर्त संपत्ति कौन सी होती है, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर। और अमूर्त संपत्ति हो सकती है जो जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या अदर सामान या कोई अदर टाइप का कोई राइट हो, और जिसके संबंध में मूल्यह्रास जो डिप्रेशन होता है का समान प्रतिशत होता है, जो डिप्रेशन है वो सेम रेट होती है। और संपत्तियों के ब्लॉक का अर्थ है, एक और इसका डेफिनेशन बोल सकते हो सिंपल सी, संपत्तियों के ब्लॉक का अर्थ है एक एक ही श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का समूह है, मतलब कि एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, और उसका मूल्य दर भी सेम रहता है, मूल्यह्रास दर मतलब डिप्रेशन की रेट भी सेम रहती है। कोई डाउट था इसमें, आगे बढ़ेंगे फिर। ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रही क्लास, कोमल जी सर? नेटवर्क खराब है आज बहुत, नेटवर्क खराब है, क्या कट रहा है अभी से बोलो। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की सर। तो क्या करें फिर, आज की क्लास फिर कल करें क्या बचा हुआ? हाँ सर, क्योंकि नेटवर्क बहुत कट रहा है। चलिए फिर बचा हुआ हम कल कर लेंगे, जो बचा हुआ कल करेंगे उसमें देखिए क्या क्या है, ये देख लीजिए। एक तो बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या डेफिनेशन है, ये आपने बताई थी पहले भी, हाँ पहले बताई थी मैंने, रिकॉर्ड रखना कि जो जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो जो मतलब बिका है ना। हाँ वो मैंने बताया है, वो तो मैंने उसके हिसाब से बताया, नॉर्मल मीनिंग के हिसाब से बताया है। ये जो अच्छा सेक्शन में क्या रूल दे रखा है उसके हिसाब से बताया है। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा ठीक है। हाँ
फिर ये नेक्स्ट, एग्जाम टाइपिंग बेसिस हो गया ना। हाँ ये एग्जाम बेसिस पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बिजनेस ट्रस्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आएगा चैरिटेबल पर्पज का, मैंने बताया था आपको चैरिटेबल पर्पज वाली जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट थी ना वो टैक्सेशन से। हाँ हाँ मैंने बताया था ना कि जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होती है उनकी एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, तो उसमें मैंने चैरिटेबल पर्पज बताया था लास्ट में, रिलीजियस पर्पज बताया था और चैरिटेबल पर्पज है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके लिए आई थिंक स्पेशल रूल्स हैं। हाँ तो ये भी मैं वैसे बता दूंगा फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा। ओके जैसे धर्मार्थ उद्देश्य बोलते हैं उसको। उसके बाद इंडिया की डेफिनेशन क्या है, मतलब कोई बोल दे इंडिया की क्या डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंडिया के कौन कौन से पार्ट है इसमें इंक्लूड है, तो ये आपके डेफिनेशन में आ सकता है। उसके बाद टैक्स रिकवरी ऑफिसर कौन सा होता है, जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, वही चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है तो ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए। नॉट एट ऑल सर, नो। चलिए ओके फिर, थैंक यू। थैंक यू। ओके गुड नाइट, बाय।